जिसमें करारदादे पाकिस्तान मुंतखब हुई थी वहाँ पे इन्होंने जलसा किया था, जहाँ पे आपको याद होगा कि 2011 में इमरान खान साहब वो कंटेनर से गिर के ज़ख्मी भी हुए थे। तो उसके बाद इनकी सारी तहरीक जो थी वो एक ही थी कि हमने मतलब पावर में आना है, और उसके पीछे जो है वो हमारे सियासी पार्टियों को आगे लाने में बहुत सारी ताकतें जो है वो कार फरमा होती हैं। सही साई साहब, और इसी उस पर मेरा आपसे एक और सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ पार्टी है उसने रियासत मदीना और हकीकी आज़ादी का बड़ा ही नारा लगाया था, तो आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, रियासत मदीना का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए रियासत मदीना जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से वाबस्ता है। रियासत मदीना, वो रियासत मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नहीं थी, वो मदीना का नाम यसरब था। ये सबको पता है कि मदीना उस वक्त बना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मदीना बनाना चाहा, और मदीना का मतलब होता है शहर, तो यसरब का नाम ही तब्दील करके उसको मदीना बना दिया गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहाँ इंसानी फलाह के लिए जो काम किए, सहाबा इकराम रज़वान अल्लाह अजमाइन ने जो काम किए, तो वो एक सुन्नत है, वो एक उनका तर्ज ज़िंदगी था, वो तर्ज अमल था, उसको अपनाना इंसान के बस की बात नहीं है। हम कैसे भूल जाते हैं, हम तो उनकी धूल के बराबर भी नहीं है। चे जाए कि हम रियासत मदीना का तसव्वुर पेश कर, रियासत मदीना बनाने के लिए रियासत मदीना के किरदारों को भी तो अपने अंदर लाना पड़ेगा हमें। क्या हमारे अंदर वो चीज़ें, वो सलाहियतें, वो जज्बे, वो चीज़ें मौजूद हैं? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, और ना ही ऐसा हो सकता है। ये इम्पॉसिबल बात है, इसको किसी तौर पे नहीं माना जा सकता। और जहाँ तक हकीकी आज़ादी का ताल्लुक है, तो हकीकी आज़ादी जो क्या पाकिस्तान आज़ाद नहीं है? पाकिस्तान आज़ाद इंडिपेंडेंट मुल्क है, इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान 75 साल पहले आज़ाद हुआ था, जिसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी, हम आज़ाद हैं। ये हकीकी आज़ादी कौन सी आज़ादी है? तहरीक इंसाफ देना चाहती है, ये वो आज़ादी है जो मादर पिदर आज़ाद जिसको कहते हैं। आप देखें, गौर करें, पूरी कौम गौर करें इस बात पे कि तहरीक इंसाफ में वो लोग हैं जो अपने माँ बाप की भी नहीं मानते, वो माँ बाप को भी मतलब यूँ समझते हैं कि जैसे मतलब वो हमारे माँ बाप नहीं है, बस जस्ट फॉर इन्जॉयमेंट हम उनकी औलाद है। तो सो वो लोग आज़ादी जो मतलब आज वो कहते हैं कि हम इमरान खान पे मरने के लिए तैयार हैं, जैसे मतलब नबी के लिए मरना तो नऊज़ुबिल्ला। तो सो आप इसमें क्लिप्स जो आजकल वीडियोस पे आ रही हैं इन लोगों के जो गिरफ़्तार हुए हैं या जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, आप उनकी वीडियो सुने, आप तो वतायब करेंगे कि या परवरदिगार हमें इस गुमराही, इस हमारे कानों में सीसा क्यों नहीं पड़ गया कि ये अल्फाज हम सुनने को मिल रहे हैं। तो ये उस तरह की आज़ादी चाहते हैं, ये यहूद नसारा वाली आज़ादी चाहते हैं, इस्लाम वाली आज़ादी नहीं। इस्लाम तो हर एक को आज़ाद इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने तो हर इंसान को आज़ाद पैदा किया, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, लेकिन उसके लिए उसने एक रास्ता मुकर्रर कर दिया, उसको शर और खैर के रास्ते दे दिए हैं। तो सो इन चीज़ों पे जो मतलब हम बहस करते हैं कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, हाँ हाँ आज़ादी ये है कि आइन और कानून की पासदारी ही असल आज़ादी है। बस ये है कि जो हमारे दरमियान डिवीजन है कि जो अलीट क्लास है उसके लिए आइन और कानून अलग है और जो गरीब है उसके लिए अलग है, इसकी इस तफरीक को ख़त्म करने का नाम असल जो है वो हकीकी आज़ादी है, जिसको लाने की ज़रूरत है। उसके लिए तमाम अदारों को, तमाम अफराद को अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है।
साई साहब बहुत ही शुक्रिया आपका कि आप डायलॉग 360 के साथ जुड़े हुए हैं और आए, अपना टाइम, अपने कीमती टाइम दिया और आपसे बात करके हमें सियासत के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हुई है, तो शुक्रिया बहुत बहुत आपका साई। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और मुझे इतनी तहरीक इंसाफ के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिला। तो वो जो बातें जो आम लोगों तक नहीं पहुंची अभी तक, उनका इजहार करने को मुझे मौका आपने दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं ये अपना फ़र्ज़ जो है वो ईमानदारी से हमेशा अदा करते करने की कोशिश करता रहूंगा और आज तक भी करता आया हूँ, आइंदा भी करता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी साजिद फिक साहब, जिनसे हम मुल्की सियासत और तहरीक इंसाफ के बारे में बातें कर रहे थे और सियासी हालात पर गुफ्तगू कर रहे थे। अब अपनी मेज़बान जवेरिया ख़ान को आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।